पालक के पकोड़े और दही के साग बनाने के लिए ये मैंने पालक ली है। ये एक बंच पालक थी, इसे कट कर दिया है और अभी हम इसे धोएंगे। धो के फिर इसे बारीक कट कर, बिल्कुल बारीक काटेंगे। ये मैंने 1 कप दही लिए, जिसे फेंट दिया है। ऑयल यूज़ करेंगे हम फ्राइंग के लिए और साग बनाने के लिए। ये मैंने आधा कप बेसन लिया है, जो हम पकौड़ों में यूज़ करेंगे। मिर्च ली है 2 छोटी बारीक, उन्हें काट दिया है। ये हमने होल गरम मसाला लिया है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 ब्लैक कार्डमम ली है, बड़ी वाली, बड़ी इलायची जिसे कहते हैं हम, 2 लौंग ली है और 4 काली मिर्च लिए है, ब्लैक पेपर और क्लोव। ये मैंने आधा टीस्पून जीरा पाउडर लिया, सॉरी जीरा लिया है, जीरा सीड्स और क्यूमिन सीड्स जिसे बोलते हैं, और ये मेथी सीड्स हैं जिसे फेनुग्रीक सीड भी बोलते हैं। ये मैंने 5 लहसुन की कलियां ली हैं, इन्हें हम बिल्कुल बारीक कट कर देंगे। और ये मैंने एक छोटा सा अनियन लिया है, उसे बारीक कट किया है। हींग लेंगे और ये मैंने नमक लिया है, स्वाद अनुसार यूज़ करेंगे। आधा स्पून मैंने लाल मिर्च ली है, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी ली है मैंने 1 पिंच से थोड़ा ज़्यादा, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। और पानी यूज़ करेंगे हम ग्रेवी के लिए। तो आइए बनाते हैं मेथी के पकोड़े विद दही के साग में। ये हमने पालक बिल्कुल बारीक कट कर दी है, अब हम इसमें ये हरी मिर्च डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, और इसमें अब हम ये बेसन डाल देंगे। ज़रूरत पड़ेगी अगर तो हमें इसमें पानी यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ पालक का अपना ही वो इतना ज़्यादा होता है पानी उसके अंदर, तो मुझे लगता नहीं है इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। गैस हम कम कर देंगे। मैंने ऑयल रख दिया है पकोड़े बनाने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा अनियन भी डालेंगे, अनियन डाल दिया है, मैं इसे मिक्स करूँगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। मुझे इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बेसन में, तो मैं इसमें 1 आधा कप और बेसन डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आपको ज़्यादा पानी, जैसे मुझे अभी ज़्यादा लग रहा है ये, तो मैंने इसमें 1/2 कप बेसन और मिलाया है। पहले 1/2 कप डाला था और फिर 1/2 कप डाला है। तो अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे, अब ये बिल्कुल ठीक है। गैस कम कर लेंगे, हमारा तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है, और अब इसके छोटे छोटे पकोड़े बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। हमने बेसन डाला था तो बेसन से बाइंडिंग अच्छी आती है। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लोर डालिए, लेकिन अगर कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो पालक को पहले अच्छे से धो के सुखा दीजिए, और सुखाने के बाद जब उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तब पीसिए या तब काटिए। ये एक्चुअली मेरे उसमें, अगर मैं हाथ से कट करती तो ये इतना पानी नहीं बनता, पर मैंने इसको फूड प्रोसेसर में डाला बारीक करने के चक्कर में, तो ये इस तरीके से हो गया है, बट नो प्रॉब्लम। हर बार गलती करके ही हम कुछ कुछ सीखते हैं चीज़ें। अब हम इनको पकने देंगे पकौड़ों को, अब हम इन्हें पलटेंगे, गैस को तेज कर देंगे। पकने देंगे इसको भी, ये एक तरफ से हमारे पक गए, फिर पलट देंगे और दूसरी तरफ भी इन्हें ऐसे ही होने देंगे।
इन्हें आप स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। पालक के पकोड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्दी होते हैं, और आजकल विंटर है तो बहुत इजीली अवेलेबल है पालक हर जगह। हमारे पक गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे पेपर टॉवल पे। ये हमने पैन चढ़ा दिया है और ये हमारे पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। ये मैंने साइड में रखे हैं पकोड़े। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। पहले हमने ऑयल डाल दिया है इसमें, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम सबसे पहले इसमें हींग डालेंगे एक पिंच। उसके बाद जितने हमारे खड़े मसाले हम इसमें वो डालेंगे। खड़े मसाले हमारे भुन चुके हैं, अब हम इसमें ये जीरा और मेथी दाना डालेंगे। ये डालने के बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे, गार्लिक। गार्लिक को हम हल्का ब्राउन होने देंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का सा भुनने देंगे हम, और जो ये मसाले थे इनमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इनको गीला कर लेंगे। ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये इस तरीके से डालेंगे तो अच्छा रहता है। और अब इसमें डाल देंगे, पानी डालेंगे थोड़ा सा। मसाले को हल्का सा भुनने देंगे हम। मसाला हमारा पक चुका है, अब हम इसमें दही डालेंगे। दही को फेंट के डालिएगा। एक कप दही लिए मैंने। मिक्स करेंगे इसे। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक दही बिल्कुल मसाले में मिक्स नहीं हो जाती। खुला रखेंगे इसे, ढकेंगे नहीं क्योंकि ढकेंगे तो फिर दही फट जाएगी। तो थोड़ा पानी भी मिक्स कर लेंगे हम, क्योंकि हमने पालक के जो पकोड़े बनाए हैं उसमें बेसन यूज़ किया है, तो वो बेसन जो है वो पानी को सोखता है। तो अभी आपको ये थोड़ा पानी पानी लग रहा है, पर जब हम इसमें पकोड़े डालेंगे तो काफ़ी सारा पानी वो सोख लेगा। पकने देंगे इसको। अब हम ये 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इनमें ये पकोड़े ऐड कर लेंगे। और अब इसको हम तब तक पकाएंगे जितना हमें पानी चाहिए। ये हमारे पकोड़े वाला, पालक के पकोड़े और दही का साग बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे गैस बंद कर देंगे ताकि ये पकोड़े और पानी सोख सके। 10 मिनट के लिए इसको हम बंद करके, गैस बंद करके ढक देंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं,
अब हम इन्हें खोलेंगे। ये देखिए मैंने आपको बोला था ये पानी पूरा सोख लेंगे। अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स मिक्स करेंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे। ये लीजिए हमारा पालक के पकौड़ी और दही का साग बनके तैयार हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी हो रहा है। आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप सर्व करेंगे उससे 10 मिनट पहले ही इसमें पकौड़ियाँ ऐड करें, वरना आप साग बना के रख दें और फिर पकौड़ों को माइक्रोवेव में या फिर उसी वक्त बनाएं और उसके ऊपर से साग डालें और फिर इसे छोड़ दें, क्योंकि अभी मैंने चेक किया है तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं पकौड़ियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए।